नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दमा के इलाज के बारे में। तो दमा यानी कि अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चलने फिरने में सांस फूलना या बैठे बैठे सांस भर जाना, तो दमा की प्रॉब्लम मेनली गलत खान पान की वजह से। बहुत ज़्यादा ठंडा खट्टा लेते रहना, तली फली चीज़ें खाते रहना, या फिर धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण दमा हो सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से दमा हो सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन चाहे बहुत पुरानी खांसी रही हो, बलगम वाली या सूखी खांसी रही हो, जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और दमा की शिकायत हो जाती है। तो दमा के इलाज के लिए आज एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर दमा प्लस B6-2। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है। पीने के लिए डॉक्टर दमा ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीनी होती है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 2 की गोलियां होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए, और दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।